दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हैं, मतलब इस तरह का जो है, तो अगर स्टेटस आप अपने वीडियो का बनाना चाहते हैं, अपने फोटो का बनाना चाहते हैं, तो काइनमास्टर की मदद से किस तरह आप बनाएंगे मैंने इस वीडियो में पूरा बता रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तो चलिए देख लेते हैं पूरी वीडियो की किस तरह से आपको इस तरह का स्टेटस जो है तो अपना बनाना है काइनमास्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, प्लस 99 के रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जाकर के इस कलर को आपको चूज़ करके यहाँ पे जितना भी बड़ा आप जो है तो स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना बड़ा यहाँ पे आप अपना इसकी लेंथ कर सकते हैं। लेंथ को करने के बाद आपको सिंपल करना क्या होगा, यहाँ पे शुरुआत में आना है। शुरुआत में आने के बाद लेयर के ऑप्शन पर जाना है, मीडिया के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी, जो भी फोटो आपको सेलेक्ट करनी है। दोस्तों, मुझे ये फोटो सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैंने फोटो इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं सारे मटेरियल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप सिंपल उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने फोटो को इस तरह से यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद अल्फ़ा के ऊपर जाना है। अल्फ़ा के ऊपर जाने के बाद इसकी थोड़ा सा जो है तो कम कर देनी है अल्फ़ा को। यहाँ पर आपको 50 तक रख देना है, 50 तक आपको रख देना है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर आपको इसको अपनी फोटो की लेंथ को आपको फुल कर देना होगा। फुल करने के बाद यहाँ पर आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे आपको बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, डुप्लीकेट लेयर को थोड़ा सा जो है तो बढ़ा करके आपको आगे पीछे अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद सेकंड वाले लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आकर के आपको प्लस के आइकन पर फिर से क्लिक कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये चल रहा है। उसके बाद ओके करना होगा। करने के बाद नीचे वाले लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर अल्फा के ऊपर जाएंगे और उसकी जो अपने ब्राइटनेस कम की थी उसको फुल कर देंगे। फुल करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दोस्तों यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी फोटो में और भी एडिटिंग करनी है, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में जाना है, उसके बाद मीडिया के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारी मटेरियल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपल वहाँ जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फुल कर देना। फुल करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको उसी पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर जाना है। उसके बाद सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक बार जो है तो आपको थ्री डॉट पर जाना है, फिर सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा का सारा जितना भी है वो सेंड टू बैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब चलाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, लेयर के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं अपने चैनल का या अपना नाम या कुछ भी, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एटीट्यूड आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एटीट्यूड लिख दिया। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, इसका जो है तो जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। उसके बाद आपको अपने फॉन्ट में चले जा करके आप, मैंने ये फॉन्ट चूज़ किया, आप जो भी फॉन्ट चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको एडजस्ट कर देना होगा, ठीक है। जिस तरह भी एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी लेंथ भी आपको अपने वीडियो के बराबर रख देनी होगी। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इस ऑप्शन के ऊपर जो है तो क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे नीचे की तरफ आना है। उसके बाद आपको आउटलाइन जो है तो आपको आउटलाइन लगाना है। उसके बाद जो भी कलर की आप आउटलाइन लगाना चाहते हैं उस कलर की आउटलाइन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आ गया। यहाँ पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा सा अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पर एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे जाना है लेयर के ऑप्शन पे। उसके बाद ओवरले के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे मिस्ट्री फैक का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, आपको इसको डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देना है। फोर्थ वाला ऑप्शन, यहाँ पे इसकी भी लेंथ आपको फुल कर देना है अपने वीडियो के बराबर। उसके बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में नीचे लगा देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक, तो ये आपका जो है तो एकदम फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फोटो के ऊपर क्लिक करना है। फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन है। क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको मास्किंग को ऑन करके यहाँ पे फेदर आपको कम से कम 30 यहाँ पे रख देना होगा, ठीक है। आपको कम से कम इतनी फिदर यहाँ पे आपको 30 रखनी है। 30 रखने के बाद यहाँ पे नीचे वाले पे जाना है। नीचे वाले पे जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फिर से क्रॉपिंग के ऑप्शन में यहाँ पे इसको इनेबल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको 30 जो है तो 28-30 जो भी आप रखना चाहते हैं आपके हिसाब से रख दीजिए। रखने के बाद यहाँ पे शुरू यहाँ पे आपका इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, लेयर के ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद लेयर के ऑप्शन पे जाने यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे फिर से ओवरले के ऑप्शन पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टूल सर्च करना होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ टूल्स कौन सा है। तो यहाँ पे आपको
स्पीड लाइन का जो यहाँ पे ऑप्शन है, आपको इसको भी डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा नंबर इस पर सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसकी भी लेंथ आपको फुल कर देनी होगी। लेंथ को फुल करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ करके यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फिर से आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पे जाना है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सिंपल वहाँ जाकर के इस लिरिक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी को यार कुछ करने चाहते यहाँ पे आप इसको कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे आपको क्रोमा की आना है, इसके बाद इनेबल करना है। यहाँ पे की कलर में आपको चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, की कलर में आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दीजिए, जहाँ पर भी आपका अच्छा बैठता है वहाँ पे इसको एडजस्ट कर दीजिए। अब मैं इसकी जो है तो वॉइस को बंद कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप फिर जो है तो कॉपीराइट भी आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दोस्तों आपका बन के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देनी है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता जा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो आपको ले लेना होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया है उसी वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना होगा, या वो वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वो वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत स्मूथ वीडियो थी, इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको हर 5 सेकंड पे, जैसे कि आपके 30 सेकंड की आपने स्टेटस बनाया, तो हर पाँच सेकंड पे आपको यहाँ पे स्प्लिट आपको कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 पे किया, 10 पे किया, उसके बाद 15 पे किया, उसके बाद 20 पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसी तरह से आपको स्प्लिट कर देना होगा। इस तरह से स्प्लिट करने के बाद आपको करना क्या होगा, फर्स्ट वाले पे आपको आना है, क्लिप ग्राफिक के ऊपर आना है। क्लिप ग्राफिक के ऊपर सबसे नीचे आपको जाना है, सबसे नीचे गेट मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जो है तो फोटो प्रिंट का ऑप्शन जो है तो वहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वहीं से मिलेगा, यहाँ पे फोटो प्रिंट के ऊपर फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। सेकंड वाले पे जाना है, क्लिप ग्राफिक पे जाना है, उसी के बाद आपको फिर सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और फोटो प्रिंट के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो प्रिंट, उसके बाद दूसरे नंबर पे, इसी तरह से कर करके आपको सारे के सारे जितने भी हैं ना, तो सारे के सारे पे आपको इसी तरह से आपको कर देना होगा। तो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने 6 की 6 उस पर कर दिया है। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप ये चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे आपका स्टेटस अपना बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो फाइनली आपकी वीडियो बन चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा जरूर दबा दें, क्योंकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए गुड बाय।